रियल लाइफ चार्ल्स शोभराज की जगह रियल लाइफ में चार्ल्स शोभराज बने रणदीप हुड्डा की तस्वीर लगाकर देश का नामी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ ट्रोल। आइए देखें इस वायरल खबर को। बिकिनी किलर के नाम से मशहूर नामी सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को नेपाल की एक जेल से रिहा कर दिया गया है। वहां दो हत्याओं के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसको छोड़ा गया है। शोभराज 19 साल बाद जेल से रिहा हुआ है। उसकी उम्र अब 80 साल के करीब हो चुकी है। नेपाल से पहले वो फ्रांसीसी पर्यटक को जहर देने और एक इजरायली नागरिक की हत्या के लिए भारत में भी 21 साल की जेल की सजा काट चुका है। शोभराज एशियाई देशों में यूरोप के पर्यटकों को निशाना बनाता था। उसका शिकार ज्यादातर महिलाएं होती थी। उसके द्वारा मर्डर की गई सारी महिलाओं की लाश बिकनी में मिली थी, इसलिए शोभराज को बिकनी किलर भी कहा जाता था। उसे कई तरह की भाषाएं आती थी। वेश बदलने में और जेल से भागने में वो माहिर था। अलग अलग देशों में कई बार जेल तोड़कर निकलने की वजह से उसे सरपेंट यानी सांप भी कहा जाता था। शुक्रवार 23 दिसंबर को नेपाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको रिहा कर देने के बाद से ही सोशल मीडिया पर उसकी रिहाई के चर्चे खूब जोर शोर से हो रहे थे। इसी कड़ी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने शोभराज की रिहाई की खबर अपने अखबार में छापी और बुरी तरह ट्रोल हो गई। दरअसल हुआ ये कि खबर के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो तस्वीर छापी है वो शोभराज की रियल तस्वीर नहीं है। चार्ल्स शोभराज पर एक मूवी आई थी मैं और चार्ल्स, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बिकनी किलर का किरदार निभाया था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रणदीप हुड्डा की चार्ल्स शोभराज बनी रियल लाइफ की तस्वीर को अपने अखबार में रिहाई की खबर के साथ छाप दिया। अपनी चार्ल्स शोभराज बनी फोटो को छपा देख रणदीप हुड्डा ने ट्वीट करके टाइम्स ऑफ इंडिया को टैग करते हुए लिखा कि क्या ये उल्टी तारीफ है टाइम्स ऑफ इंडिया, या आप सच में वास्तविक और रियल चार्ल्स शोभराज के बीच चकमा खा गए। रणदीप हुड्डा के इस ट्वीट का रिप्लाई ओडिशा के ऑफिसर अरुण बोथरा ने बड़े ही मजाकी अंदाज में किया। हाल ही में गोदी मीडिया चैनल टाइम्स नाउ ने आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा से जुड़ी खबर छापी और उस खबर के साथ राघव चड्ढा के बजाय एक्ट्रेस सनी लियोनी की तस्वीर छाप दी। इसी पर चुटकी लेते हुए अरुण बोथरा ने रणदीप को संबोधित करते हुए लिखा कि चड्ढा जी के मुकाबले आपका दुख तो कुछ भी नहीं है। इस खबर पर और भी सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने रिएक्शंस दिए हैं। आइए देखते हैं। राइटर जनेब सिकंदर ने रणदीप हुड्डा की तारीफ करते हुए लिखा कि वे कंफ्यूज्ड हो गए क्योंकि आप सचमुच उस भूमिका के लिए चार्ल्स शोभराज में रूपांतरित हो गए थे, उन्हें दोष नहीं दे सकते। राजेश नाम के एक यूजर रणदीप को रिप्लाई देते हुए लिखते हैं कि मूल रूप से शॉर्टकट पत्रकारिता, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आप उनका अखबार पढ़ते हैं। मेजर अमित बंसल ने ट्वीट करके कहा कि लगता है संपादक महोदय को ज्यादा ही कंफ्यूज हो गए रणदीप भाई, जो कुछ तस्वीर गूगल पर हाथ लगी तुरंत ही फेल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस बेहद साधारण रिपोर्टिंग को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की हर वायरल खबर हम आप तक पहुँचाते रहें।